Hello and welcome friends to our channel. Today our lecture topic is on fives and cistern. So this question has been asked in GATE 2019, and what question said? Let's see. Two fives P and Q can fill a tank in 6 hours and 9 hours. ठीक है, दो पाइप्स हैं P and Q जो कि एक टैंक को 6 एंड 9 आवर्स में इंडिविजुअली कम्प्लीटली फिल करते हैं, ये दिया हुआ है. वाइल अ थर्ड पाइप आर कैन इम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स. आर जो है वो 12 आवर्स में पूरे पाइप को इम्प्टी करता है. इनिशियली पी एंड आर ओपन फॉर 4 आवर्स. ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि पी एंड आर इनिशियली 4 आवर्स के लिए खुले रहते हैं, देन पी इज क्लोज. उसके बाद हम क्या करते हैं, पी को क्लोज कर देते हैं एंड क्यू इज ओपन, एंड क्यू को ओपन रख करते हैं. ठीक है, इनिशियली क्यू नहीं चल रहा होता है, इनिशियली क्यू नहीं है, ओनली पी एंड आर. आफ्टर 4 आवर्स पी को बंद करके क्यू चालू कर देते हैं हम. एंड आफ्टर 6 मोर आवर्स, दैट मीन्स 4 + 6, 10 आवर्स चलने के बाद आर को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं. द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज, उसके बाद ये पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगता है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे हमने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में किए हुए हैं जिसमें कि थोड़ा सा डिफरेंट था, बट अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर होगा, ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे. ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन है पी एंड क्यू जो कि 6 और 9 आवर्स में फिल करते हैं. तो देखो मैं एक एक कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन कर ले जाओगे आप फिर. ठीक है, अगर आपने पिछला नहीं भी देखा है तो यहाँ से आप समझ ले जाओगे, और आप पिछला देख लोगे वीडियो लेक्चर जो पाइथन सिस्टम पे बनाए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे और क्लियरिटी हो जाएगी. सो पी कितना टाइम ले रहा है, 6 आवर्स ले रहा है. तो पी जो है 1 आवर में कितना फिल करेगा, वो करेगा 1/6. ओके, अगर वन एक टैंक को 6 घंटे में ले रहा है तो 1 घंटे में 1/6 करेगा. ठीक है, सिंपल टेक्निक. नाउ क्यू की बात करें तो क्यू कितना ले रहा है, क्यू ले रहा है 9 आवर्स. तो क्यू 1 आवर में कितना टैंक फिल करेगा, वो करेगा 1/9. ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें आर की भी ले लें, तो आर देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि द वाइल अ थर्ड पाइप आर कैन इम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स. दैट मीन्स आर की अगर हम बात करें तो 12 आवर्स में अगर इम्प्टी कर रहा है ना, देखो ये इम्प्टी कर रहा है, बाकी दोनों क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, है ना, ये भी फिल कर रहा है एंड ये भी फिल कर रहा है आपका. तो ये इम्प्टी कर रहा है, तो इम्प्टी वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको इसको निगेटिव साइन से लेना है. क्यों, क्योंकि ये आपका ड्रेन आउट कर रहा है. तो ये कितना हो जाएगा, 1/12. ओके, ये 1/12 वन आवर में ड्रेन कर देता है. नाउ अब क्या बोल रहा है, आगे कह रहे हैं पी एंड आर आर ओपन फॉर 4 आवर्स, देन पी इज क्लोज. दैट मीन्स पी इज ओपन ओनली फॉर 4 आवर्स. ओके, क्यू इज ओपन, उसके बाद क्यू को ओपन किया जाता है. तो फाइनली लास्ट तक जब ये टैंक फुल हो रहा होता है, उस टाइम तक कौन सा पाइप ओपन रहता है, ओनली क्यू, क्यू ओपन रहता है. दैट मीन्स क्यू पूरे टाइम कितना ओपन रहेगा, T-4. हमने T-4 क्यों किया, क्योंकि टोटल टाइम तो टी लग रहा है टैंक फिल होने में, जब पी भी चल रहा है, आर भी ड्रेन कर रहा है, ओके, और क्यू स्टॉप है. बट क्या है कि बाद में आपका कितना हो जाएगा, बाद में आपका पी एंड आर, आपका पी जो है वो ओपन होगा एंड क्यू जो है वो आपका ड्रेन आउट कर देगा. तो इसीलिए हमने यहाँ पे टी का टाइम लिया है T-4. अब जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि आफ्टर 6 आवर्स आर इज क्लोज, दैट मीन्स आफ्टर 6 मोर आर. तो 4 आवर्स में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 6 आवर्स, तो आर कितना चलेगा, 10 आवर्स. इन तीनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा पाइप कितना टाइम चल रहा है. एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, पी 4 आवर्स चला, उसके बाद बंद कर दिया गया. आर जो है वो 6 मोर आवर्स चला, दैट मीन्स 4 + 6 विल बी 10 आवर्स आर चला है, क्योंकि आर भी इनिशियल से ही स्टार्ट हुआ है. बट क्यू जो है वो 4 आवर्स बाद ऑन हुआ है, यहाँ देखो लिया हुआ है इनिशियली पी एंड आर, बट पी इज क्लोज आफ्टर देन क्यू इज ओपन. दैट मीन्स क्यू जो है वो T-4 आवर्स चलेगा. क्यों माइनस किया है, क्योंकि ये इनिशियल 4 आवर्स नहीं चला है, और टोटल टाइम कितना लेकर चल रहे हैं हम, टी आवर्स में ये एम्प्टी टैंक जो है वो फिल्ड हुआ है. सो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे. और वो इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन बनेगा पी जो है वो टैंक को फिल कर रहा है, क्यू भी टैंक को फिल कर रहा है, बट आर जो है वो क्या कर रहा है, आर जो है वो टैंक को ड्रेन आउट कर रहा है.
ठीक है, और इक्वल्स टू पूरे वो टैंक को कंप्लीट कर रहे हैं तीनों मिलके, ठीक है। आइदर आर जो है ड्रेन कर रहा है, बट उसके बाद भी हमारा टैंक फिल हो रहा है। तो हम यहाँ पे आर को क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे यहाँ पे, ये है ड्रेन का कॉन्सेप्ट इसीलिए निगेटिव लिया है, क्यू फिल कर रहा है इसीलिए पॉजिटिव लिया है, एंड पी भी फिल कर रहा है इसीलिए पॉजिटिव लिया है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिल का प्लस लेंगे जो कि पी है, प्लस क्यू जो कि फिल कर रहा है बट आर ड्रेन कर रहा है इसीलिए निगेटिव लेंगे, इक्वल्स टू वन। नाउ पी का टाइम कितना है, पी का टाइम देखो यहाँ पे कितना है, 1/6 पर आर की अगर हम बात करें, है ना। अब हम यहाँ पे पर आर का कॉन्सेप्ट लेंगे, है ना, पर आर कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम टी टाइम का कॉन्सेप्ट ले लेंगे, ठीक है। तो पर आर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो पी के लिए कितना हो जाएगा, पी के लिए हो जाएगा 1/6। देखो पी के लिए कितना है, 1/6, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1/6। क्यू के लिए कितना कॉन्सेप्ट है, तो क्यू के लिए है 1/9। एंड आर के लिए कितना है, आर के लिए कॉन्सेप्ट है पर आर 1/12, इक्वल्स टू 1/1। हमने क्या लिया है, 1/1 मतलब पूरे टैंक, है ना, रेशियो 1:1 विल बी 1। अब अगर हम बात करें फॉर टाइम टी, है ना, अब अगर हम बात करें फॉर टाइम टी, दैट मीन्स टोटल टाइम की बात करें, तो पी कितना चला है, तो पी सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स चला है। तो 4 आवर्स में कितना फिल करेगा, 4/6 फिल करेगा, ठीक है, प्लस का साइन। क्यू की बात करें अगर हम, तो क्यू कितना चला है टी टाइम में, वो टी माइनस 4 ही चला है, तो टी माइनस 4 ले लेंगे हम। एंड आर जो है वो 1/12, आर कितना चला है 10 आवर्स चला है, तो 10/12। ये पूरा जो है एक टैंक को कंप्लीट करते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया इक्वेशन बनाना, तो आप पाइथन सिस्टम के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे जितने भी होगा। हमने क्या किया, एक बार और रिपीट करता हूँ, पी का ये लाइन आ रही है, तो पी जो है वो 4 घंटे चला है, और पर आर 1/6 है, तो 4 आवर में 4/6 हो गया। क्यू की बात करें तो 1/9 है पर आर, तो टोटल टाइम कितना है टी है, बट टी में कितना चला है क्यू, टी माइनस 4 चला है, वो हो गया। आर की बात करें तो पर आर 1/12 है, तो 10 आवर्स, दैट मीन्स 4 + 6 10 हुआ, तो 10 आवर्स में कितना होगा, 10/12 वो ड्रेन आउट करेगा, इसीलिए निगेटिव का साइन ले लिया हमने। अब इसको आपको सॉल्व करना है और टी की वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं हम टी की वैल्यू निकालते हैं सॉल्व करके। 4/6 प्लस टी माइनस 4/9 माइनस 10/12 इक्वल्स टू 1, तो टी माइनस 4/9। बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा, -4/6। यहाँ से हम 12 एलसीएम ले लेंगे, इट विल बी 12 प्लस 10 माइनस 8, सो 22 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 12, इट विल बी 14 डिवाइडेड बाई 12। एंड यहाँ पे क्या है, टी माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ से अगर बात करो, 3 3 जै 9, 3 4 जै 12, 2 7 जै 14, 2 2 जै 4, सो टी माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो टी माइनस 4 इक्वल्स टू 21 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 10.5 एंड इट विल बी 14.5। सो हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई द टैंक बाई द पाइप टू कम्प्लीट द टैंक, इट इज़ 14.5। ओके, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है क्या, या इट्स ऑप्शन ए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और जिसको ज़रूरत हो आपको लगे उसको शेयर भी कीजिए, बिकॉज योर 1 लाइक एंड सब्सक्राइब मैटर अस अलॉट। ओके, थैंक यू।